हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हेलो सर, हेलो आई सर, एम आल्सो फाइन बेटा। टुडे सेशन, इन आवर लास्ट सेशन जस्ट बी कंप्लीटेड द स्पीकिंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 7 एंड टुडे वी आर सपोज टू स्टार्ट अ न्यू सेक्शन दैट इज ग्रामर जंक्शन दैट आई लेफ्ट। सो टुडे वी वुड बी कवरिंग द ग्रामर जंक्शन अलोंग विद द ग्रामर स्टेशन। So let us open the book and so that we can start the section and learn today. In the grammar junction today we have to learn about the related clause. So related clause ko padhne ke pehle sabse pehle you should know that ki what is clauses. Ye clause aakhir hote kya hai? Related clause ko padhne ke liye aapko relative pronoun ko bhi jaanne ki zarurat padegi. But pronoun words kya hote hain ye bhi aapko pata hona chahiye. Aur phir relative pronoun usme se किस टाइप्स के किस तरह के प्रोनाउन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं वो भी जानने की जरूरत पड़ेगी। आई होप सबसे पहले शुरुआत करते हैं इजी से। आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्लास सेकंड से ही पढ़ते आ रहे हैं। आई होप प्रोनाउन तो आपने क्लास फर्स्ट में ही शायद शुरू किया हो। तो यू हैव टू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल नीड टू टेल अबाउट द प्रोनाउन व्हाट आर प्रोनाउन वर्ड्स। What are pronoun words? Anyone can speak, please? हाँ बेटा अनुप्रिया बताइए। Pronoun are that word which is used in the place of noun. Pronoun are words that is used in the place of noun. Noun की जगह पे used होने वाले words को ही pronoun कहते हैं। ठीक है, I'll come to the another persons one by one. इसी से pronoun ही के बारे में नहीं पढ़ना है। Lots of things are there. Many questions will be there. एक एक करके सभी से पूछेंगे। ठीक है, मम्मा के पास जाइए, उनके पास फोन है। दो बंद कर देना बेटा, बंद कर देना दरवाजा। दैट मीन्स कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, प्रोनाउन के टाइप्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन बताएगा? हु कैन स्पीक अबाउट द टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन? अमन वर्मा, यू आर नॉट फोकसिंग आई थिंक। अगर आप किसी से बात करना चाहें तो प्लीज अपना वीडियो बंद करके आप जा सकते हैं, आप बात ही कर लो पहले। प्रोनाउन के टाइप्स आपको पढ़ाए गए होंगे, तो कैन यू स्पीक अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में कौन बता सकता है? व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया गया तो उसी में से एक आपका टाइप आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वो कहलाता है जो आपका नाउन, जब जो आपका नाउन की जगह पे यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है ना, तो वो आपका जो प्रोनाउन वर्ड्स है वो आपका जो नाउन वर्ड्स है उसके बीच में किसी और वर्ड से संबंध बताता हूँ। यानी एक ऐसा प्रोनाउन वर्ड जो कि रिलेटिव प्रोनाउन जो किसी नाउन के बारे से संबंध दिखाता हूँ, रिलेशनशिप दिखाना दिखाता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से तो समझ में आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल कौन दे सकता है, कौन बता सकता है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में? योर वॉइस इज नॉट कमिंग, दिव्या इज टेलिंग। बेटा दिव्या को मेरी आवाज नहीं जा रही है। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म दैट कि वेदर यू ऑल आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली और नॉट। सर आ रही है, सर आ रही है, आ रही है। देयर इज अ प्रॉब्लम एट द दिव्या एंड, नॉट माय एंड। दिव्या की तरफ से प्रॉब्लम है, वो उसने वीडियो बंद कर रखा है, बहाने बना रही होगी। उसने वीडियो बंद कर रखा है, बहाने बना रही होगी कि कुछ पूछा ना जाए। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा? जल्दी से कोशिश करें जिससे मैं ग्रामर स्टेशन या ग्रामर जंक्शन ये पूरा कंप्लीट कर सकूं, नहीं तो एक दिन में ये कंप्लीट ही नहीं होने वाला टॉपिक। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, रिलेटिव क्लॉज पढ़ाना है, तो उसके लिए जो जो चीजें जरूरी है उसके बारे में पूछ रहा हूं। अगर आपको ना आता हो तो वही मैं पढ़ाऊं पहले। रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल कौन दे सकता है? हु कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? सानिका, सानिका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानती हो? सर रिलेटिव प्रोनाउंस आर सर आर दैट दैट व्हिच हु। चलिए कोई बात है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका किसी भी नाउन या किसी दूसरे नाउन से जो रिलेशन बताता हो तो दैट इज कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आपका हु है, व्हाट है, दैट है, विच है, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम पढ़ेंगे
रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आपका ग्रामर स्टेशन में डिटेल में है, मैं वहीं से आपको समझा देता हूँ. द ग्रामर स्टेशन सेक्शन देयर इज अ इट्स अ ग्रामर स्टेशन. नाउ वी कैन रीड दीज सेंटेंसेस. दिस इज द चीज दैट लीला बॉट. This is the rat that ate the cheese that Leela bought. This is the cat that chased the rat that ate the cheese that Leela bought. The words in the bold provide information about the person or the things being talked about. जो that person है, this is the cheese that Leela bought. ये that किसके बीच में relation बता रहा है? ये कहीं ना कहीं जो person जो यहाँ पे आपका चीज है, कोई person या कोई सामान है, उससे relation दिखा रहा है. इस चीज के बारे में बता रहा है. चीज से ही संबंधित है. जो ऐसा वर्ड्स जो किसी दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन दिखाता हो, दैट इज दैट प्रोनाउन इज नोन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. अब यहाँ पे चार तरह के प्रोनाउन बताए गए हैं. हु, हूज, विच, दैट, हुम भी होता है फिलहाल. ठीक है, हुम इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. आपके रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यहाँ से समझ में आ गया होगा? क्यों रुचि, दिव्या वीडियो बंद कर रखा बेटा? मैं दिव्या जानबूझ के वीडियो बंद की, उसको बाहर करते हैं बेटा. ये बहुत गंदी आदत है वीडियो बंद करना. एक्चुअली दीज स्टूडेंट्स आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ माई क्लास. दे आर जस्ट पुट द वीडियो ऑफ एंड डूइंग अनदर थिंग्स. लेट मी रिमूव. ठीक है, ओके. दिव्या हैज बीन रिमूव्ड. रुचि आपको भी रिमूव किया जाएगा नेक्स्ट टाइम. में कैसा होगा? दिव्या हैज बीन रिमूव्ड. ओके, लेट अस डिस्कस द अनदर थिंग. तो दैट मींस के रिलेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स इन बोल्ड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन और थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. दे आर नोन एज द रिलेटिव प्रोनाउन. यानी रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी दूसरे पर्सन के बीच में रिलेशन बताते हो. देर आर फोर फाइव टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. हु, हूज, विच, दैट एंड हुम. तो आपका रिलेटिव क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर जंक्शन में, तो रिलेटिव क्लॉज पे ही आते हैं. रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट, वी हैव टू लर्न दिस थिंग्स इन टुडे सेक्शन, इन टुडे सेशन. तो रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं, उसके लिए सिंपल लैंग्वेज में अगर आप जाने, ऐसे क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड से शुरू हो, वो क्लॉज आपके रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं. अब क्लॉज ऐसे क्लॉज, वो क्लॉज किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता चल गया है, बट क्लॉज किसे कहते हैं? हु कैन टॉक अबाउट द क्लॉज, ये क्लॉज क्या होता है? क्लॉजेस, क्लॉजेस बहुत सारे क्लॉज हो गए, बट क्लॉज समझ में आता भी है, क्लॉज है क्या? किसी को समझ में आ रहा हो तो बताए, व्हाट इज क्लॉज? एनीबॉडी? किसी को भी क्लॉज नहीं समझ में आ रहा है. क्लॉज होता क्या है इन इंग्लिश लैंग्वेज? सेंटेंस समझ में आ रहा है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या होता है? यस सर, बताइए जिसको भी आता है. सर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द सेंटेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बेटा रॉन्ग है. यस सर, यस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज भी बोलते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज भी बोलते हैं. क्लॉज का भी जो डेफिनेशन है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड द क्लॉजेस. आप लेकिन ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. आप कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस नहीं बोल सकते. लेट्स से कि मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा, बस क्या ये सेंटेंस है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पूरा सेंटेंस का डेफिनेशन कौन बताएगा? हू कैन टेल दैट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस का जिसमें सारी चीजें आपको पता चले, सेंटेंस के बारे में कौन बताएगा? शानिका आप भी बताइए. शानिका इज नॉट कनेक्टेड वेल. तनिष्का इज नॉट देयर आई थिंक. सेंटेंस का डेफिनेशन नहीं पता आप सभी को? आप लोग क्लास टॉप में पढ़ने जा रहे हैं. बताइए विकास वर्मा. सर विच वर्ड्स
अरे हिंदी में समझा दो क्या मतलब है, अगर इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो रटना थोड़ो है। अनुप्रिया सर वाक्य यस अनुप्रिया ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ करेक्ट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज हैविंग द सेंस, जिसका कोई सेंस निकलता हो। अब सुन सुन करके सबसे नहीं पूछूंगा, तुरंत जब पूछो तो तुरंत बताना चाहिए था अमन वर्मा। आप अनुप्रिया को सुने तो आप भी एंट्रेज कर दिए। अभी मुझे जो टॉपिक है उसको कवर भी करना है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को नहीं बोलते, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज हैविंग द सेंस, जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। यस दैट इज हैविंग द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप सेंटेंस नहीं बोल सकते। इसी तरीके से क्लॉज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन क्लॉज होता क्या है, जिसमें आपका आपका दो चीजें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सेंटेंस के बाद आप क्लॉजेस का नाम बहुत ज्यादा सुनते होंगे, प्लस क्लॉजेस के अलावा भी एक वर्ड्स आप लोग बहुत सुनते हैं। क्या सर? क्या आप देखो सर फ्रेजेस सर फ्रेज फ्रेज हाँ, आपने सेंटेंस के बाद फ्रेज का नाम बहुत ज्यादा सुनते होंगे, क्लॉज का नाम सुनते होंगे। तो फ्रेज भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉजेस भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट फ्रेज में आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं होता, बट क्लॉज में आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। दैट मींस का ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज हैविंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड द क्लॉज। दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस ही होगा, बट इट दैट इज हैविंग द सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो क्लॉज कहलाएगा। तो जो क्लॉज है वो आपका एक क्लॉज है, कोई ऐसा क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो, उसे रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। अब कौन से, अभी एग्जांपल में देखेंगे तो इट वुड बी बेटर फॉर अस। पहले आप थोड़ा सा पढ़ते हैं जो आपके बुक में दिया है, देन वी ऑल्सो वी वुड बी हैविंग एन एग्जांपल। जो हमने बताया है वो यही सारी चीजें आपको बुक्स में बताया भी गया है, वी हैव टू गो थ्रू दैट। वंस देयर वॉज ए कंट्री बम्पकिन हु ऑब्जर्व्ड अ ग्रेट बिग पम्पकिन। Once there was a country bumpkin who observed a great big pumpkin who has been used for the first clause, जो कि आपकी पहली लाइन है उससे संबंधित कहीं ना कहीं रिलेशन दिखा रहा है कि जहां पे आपका एक ग्रेट एक बड़ा सा पंपकिन ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। नाउ Here, there was a country yes. bumpkin is the main clause in the sentence. जो आपका main clause है आपका इस दोनों लाइनों में, there was a country bumpkin, एक तरीके से once there was a country bumpkin, ये आपका एक sentence ही तो है, लेकिन ये पूरा complete sentence नहीं है, पूरा complete sentence नहीं है, ये it's a part of sentence, लेकिन यहाँ पे आपका subject भी है, verb भी है, that means कि it's a clause। अगर subject verb नहीं होता तो ये कहीं phrase होता या तो गलत sentence ही होता। Yes, so here there was a country bumpkin is the main clause in the sentence. Who observed a great big pumpkin? जो आपका second line है, who observed a great big pumpkin is a clause. ये भी आपका एक clause है that tells us more about the person, जो कि एक ऐसे person के बारे में और बताता है जो कि main clause में जिसको दर्शाया गया है। बात अलग है, ये poem है, यहाँ पे थोड़ा सा hidden है, directly नहीं show की हुआ है। Such clauses which tell us more about the subject in the main clause are called the relative pronoun clauses. ऐसा clause which tell us more about the subject. ऐसा clause जो main clause में जो subject है उसके बारे में और भी detail में बताए, that is called a relative clause. They begins with the relative pronoun. ये actual में शुरू होते हैं relative pronoun से. Relative pronoun क्या होता है? Already I have discussed. Who, what, which, whom. These are the relative pronoun. What is also the relative pronoun? The relative pronouns becomes the subject of the relative clause. जो relative clause का जो subject होता है relative pronoun ही होता है. Relative clause are usually helping clauses. जो relative clauses होते हैं actually they are a helping clauses. अब clause के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, एक आपका dependent clause और एक independent clause. बताया गया था main clause और helping clause. Sir? क्या इसके पहले कभी आप लोगों को क्लॉज के बारे में पढ़ाया गया होगा, इसके पहले के चैप्टर में, जिसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और
आपको एक आप ही को पढ़ाया गया था किसी और क्लास को हेल्पिंग क्लॉज? यस सर, बुक के मिस था डेफिनेट क्लॉज एंड डेफिनेट क्लॉज हेल्पिंग क्लॉज और मेन क्लॉज आप लोग को बताया गया था ऐसा क्लॉज? यस सर। अब शायद था तो इसका मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हेल्पिंग क्लॉज और मेन क्लॉज आपको समझाया गया था। क्लॉज क्या होता है मैंने आज बताया ही, आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस ही होता है जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों होता है। अब एक पूरा कंप्लीट जो आपका सेंटेंस बनता है उसमें कई सारे आपके क्लॉजेस हो सकते हैं। yes, कई सारे सब्जेक्ट एंड वर्ब हो सकते हैं, कॉमा लगा लगा करके पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। एक आपका कंजक्शन वर्ड यूज करके कंप्लीट सेंटेंस आपका यहाँ पे फिलहाल जैसे आपका एक क्लॉज हुआ यहाँ पे आपका जो पूरा सेंटेंस है अ गार्डनर इज अ पर्सन, गार्डनर एक ऐसा पर्सन है, ये आपका मेन क्लॉज हो गया। गार्डनर इज अ पर्सन, गार्डनर एक पर्सन है, एक तरीके से मेन क्लॉज है, इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट होते हुए दिख जा रहा है। बट जो आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है यानी हेल्पिंग क्लॉज हु टेंड्स टू प्लांट्स, ये आपको सिखाया गया था इसके पहले वाले चैप्टर में कि हु टेंड्स टू प्लांट्स का कोई मतलब ही नहीं, बिना मेन क्लॉज के ये यूज ही नहीं किया जा सकता है, ये अधूरा लग रहा है। तो जो अधूरा लग रहा है ये क्लॉज हु टेंड्स टू प्लांट्स, हु आपका सब्जेक्ट है, टेंड्स आपका वर्ब का काम कर रहा है, हु टेंड्स टू प्लांट्स ये भी आपका एक तरीके से क्लॉज है, लेकिन ये आपका अधूरा है, ये अकेले नहीं लिखा जा सकता, ये हमेशा मेन क्लॉज के साथ ही आएगा। तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये आपका इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज को आप हेल्पिंग क्लॉज भी बोलते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप मेन क्लॉज भी बोलते हैं, दो नाम है दोनों के। तो अगर मैं नाम चेंज कर देता हूं तो इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। तो हु टेंड्स टू प्लांट्स एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और अ गार्डनर इज अ पर्सन ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसमें जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है यानी कि जो आपका हेल्पिंग क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें जो आपका हु है रिलेटिव प्रोनाउन से अगर वर्ड यूज होता है, रिलेटिव प्रोनाउन से जो शुरू हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द, ये आपको इस पूरे सेंटेंस को कहीं ना कहीं रिलेटिव क्लॉजेस बोलते हैं, यानी जो आपका ये क्लॉज है इसको रिलेटिव क्लॉजेस बोलते हैं फिर, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है। आपको जो जब ये पढ़ाया गया था आपका जो मेन क्लॉज और हेल्पिंग क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज जब पढ़ाया गया था तब कोई जरूरी नहीं था कि आपका ये रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू हो उसके एग्जांपल्स, बट ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज ऐसे हेल्पिंग क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हो इज कॉल्ड द रिलेटिव क्लॉजेस, वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड से शुरू हो रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु है तो रिलेटिव प्रोनाउन से ही शुरू हो रहा है। ओके ये कहीं ना कहीं जो आपका पहले जो आपका मेन क्लॉज होता है उसके सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल में बता रहा होता है, उसके बारे में बता रहा होता है। हु टेंड्स टू प्लांट ये हु किसके लिए यूज किया गया? गार्डनर के लिए ही बताया यूज किया गया है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब मुझे मुझे कोई समझाए क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई वाज सपोज टू टेल यू ऑल। अब इसके बाद सीधा एक्सरसाइज है कुछ चीजें, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं, हु कैन स्पीक? सर मैं टेल, पहली बात आप टेल के बजाय टेल बोलना शुरू करिए तब मैं आपसे बोलूंगा। यस यू कैन टेल अमन वर्मा। सर जो क्लॉज सब्जेक्ट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताते हो, जैसे कि कोई जैसे कि बिग पंपकिन वाले चैप्टर में वन कंट्री वाज अ कंट्री बम्पकिन मींस एक कंट्री में एक मूर्ख इंसान रहता था, तो उस मूर्ख इंसान के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताया जा रहा है कि हु ऑब्जर्व अ ग्रेट बिग पंपकिन जो कि एक बड़े से पंपकिन को ध्यान से देख रहा था। बेटा थोड़ा सा अनुप्रिया आप एक बार कोशिश करिए। क्लॉज ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा बताते हैं, जैसे कि गार्डनर। यू आर रॉन्ग बेटा, क्लॉज ऐसे वर्ड है जो मुझे सब्जेक्ट के बारे में और बताते हो। क्लॉज में सब्जेक्ट खुद ही होता है, वो क्या बताएगा जो सब्जेक्ट के बारे में और बताए, यानी सब्जेक्ट के बारे में और बताए उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, क्लॉज नहीं बोलते। यू आर रॉन्ग, क्या बोल रही हो ये तो जरा ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया क्या बता रही हो। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज रिलेटिव क्लॉजेस, रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं? शानिका बताइए, शानिका टेल अस।
Sir, relative clauses are those clauses which comes after relative relative pronoun, like the clause which will come after the relative clauses, like in the gardener is a person who tends to plants. Tends to plants are related clauses. बेटा शानिका, your voice is not very clear. Actually, आप फोन अपने हाथ में लेकर के आज पढ़ाई कर रही हो. बहुत अच्छा पिक्चर भी नहीं है. आप स्वयं वीडियो रिकॉर्डिंग देखिएगा आज के लाइव क्लास की, कैसे दिखता है. प्लीज अगर एक जगह प्रॉपरली आप फोन प्लेस करके करेंगे तो एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल लुक आता है आपके पिक्चर का. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप कहीं पे भी कुछ प्लेस करके, कहीं पे आपको फोन एक हाथ में लेने के बजाय आप कहीं किसी पर्टिकुलर सामान पे रख के आप प्लेस कर दिया करें तो इट विल बी बेटर. और आपकी आवाज भी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि आवाज कभी स्लो आती है कभी तेज आती है. आपने क्या बोला, आई कुड नॉट गेट. फिलहाल जितना भी समझ में आया आप थोड़ा सा सही बता रही थी. बेटा क्लॉजेस के लिए बोला गया, क्लॉज क्या होता है ये अलग चीजें हैं, रिलेटिव क्लॉज क्या होता है ये अलग चीजें हैं. मैंने पूछा व्हाट इज रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज ऐसे क्लॉज होते हैं जो कि रिलेटिव, ऐसे क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हों, ऐसे क्लॉज दैट इज स्टार्टेड विद द रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड द रिलेटिव क्लॉज. सिंपल सर आपको यही बोलना है. अगर इसमें अगर कोई पूछे ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता दो. अगर ये कोई पूछे अच्छा क्लॉज क्या है तो क्लॉज के बारे में बता दो. तो ये सारी चीजें मैंने बताया है. Yes. तो रिलेटिव क्लॉज आपका आपके बुक में ही दिया गया है, आपके बुक में ही दिया गया है. सच क्लॉजेस ऐसे क्लॉजेस व्हिच टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा बता रहे हो. इन द मेन क्लॉज आर कॉल्ड द रिलेटिव क्लॉज एंड दे बिगिंस विद द रिलेटिव प्रोनाउन हु दैट व्हिच एंड हुम. ऐसे क्लॉज जो आपका रिलेटिव क्लॉज हमेशा ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में शुरू होगा. अगर आप इसको मिस कर दे रहे हैं तो आप रिलेटिव क्लॉज को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, पूरी तरीके से नहीं बता रहे हो. या ऐसे क्लॉज जो मेन क्लॉज में, अब ऐसे क्लॉज में मतलब हेल्पिंग क्लॉज में जो आपका होगा, जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसका, ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज के सब्जेक्ट के बारे में और बताते हो, प्रोनाउन वर्ड्स या जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स से शुरू भी होते हों, ऐसे क्लॉज आपके रिलेटिव क्लॉज कहलाएंगे. एग्जांपल भी हम देखते हैं कि ज्यादा क्लियर करेगा, ज्यादा आसानी से और भी समझने में आपको क्या हेल्प करेगा. इट विल हेल्प यू ऑल टू अंडरस्टैंड. बेटा देयर इज अ टेबल, इन द फर्स्ट कॉलम रिलेटिव प्रोनाउन्स आर मेंशन एंड इन द सेकेंड कॉलम व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑब्जेक्ट व्हिच पर्सन whether it is used for the people or things. जैसे आपका पहला relative pronoun है who and whom is used for the people not for the things. किसी सामान के लिए नहीं use करेंगे. कभी आपने सामान के लिए use किया है कहीं पे कोई ऐसा sentence हो तो बताइए. No sir. No. Who and whom is used for the people only. For the example there are some sentences. A gardener is a person who tends to plants. A gardener is a person who tends to plant. एक gardener एक ऐसा आदमी है जिसको planting आदत है एक तरीके से, ठीक है. The girl whom you met earlier by my cousin. The girl whom you met earlier is my cousin. अब who and whom में भी difference है. अब आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं अगर इसको भी बताएं. अभी मैं पूछता हूँ, फिलहाल कोई बता पाता है तो ठीक है. The girl whom, ऐसे वो girl जिससे यू मीट अर्लियर इन माई कजिन. तो द गर्ल, ये हुम भी आपका कहने का है, द गर्ल गर्ल के बारे में बता रहा है जिससे यू मेट, जिससे आप मिले हुए थे. दैट मीन्स हु एंड हुम इज अ प्रोनाउन वर्ड दैट इज यूज फॉर द गार्डनर एंड द गर्ल. ये रिलेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं. अभी अब आपको यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अब क्लॉज की भी मैं समझा दे रहा हूं दोनों क्लॉज. अब गार्डनर इज ए पर्सन, एक आपका ये मेन क्लॉज हो गया, इतना ही बोल देते तो भी काफी था. और यहाँ पे हु टेंड्स टू प्लांट्स, ये भी आपका एक क्लॉज है. यहाँ पे हु भी सब्जेक्ट है वर्ब भी है. क्लॉज आपका जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों हो वो आपके क्लॉज कहलाएंगे. फ्रेजेस में आपके वर्ब एंड सब्जेक्ट नहीं होते, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं फ्रेजेस भी, बट उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, बट क्लॉजेस में होते हैं. अब यहाँ पे एक क्लॉज ये हो गया, दूसरा क्लॉज ये हो गया, लेकिन ये क्लॉज आपका अकेले मेन क्लॉज है, और जबकि ये क्लॉज आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, हेल्पिंग क्लॉज है. इस हेल्पिंग क्लॉज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेटिव क्लॉज है. और एक इसकी पहचान भी है कि जो रिलेटिव क्लॉज होता है, जो रिलेटिव क्लॉज के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो
पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के बारे में और बता रहा होता है. इट इज हैपनिंग हियर. इफ यू लुक इनटू द सेकंड सेंटेंस, द गर्ल हुम यू मेट अर्लियर इज माई कजिन. अब यहां पे द गर्ल हुम यू मेट अर्लियर इज माई कजिन. अब ऐसे लड़की जो उसकी कजिन है, इसके पहले जो जिसे आप मिल चुकी हैं, दैट इज अ जो बता रहा है उसकी कजिन है एक तरीके से. तो हियर हुम इज टॉक अबाउट द गर्ल जिससे वो मिली हुई है, और ये यू इज अ सब्जेक्ट जिसे आप मिले हुए थे. यू मेट अर्लियर, आप पहले मिल चुके हैं. यानी दो अलग अलग क्लॉजेस हैं. इसमें भी आपका जो हेल्पिंग क्लॉज है, द गर्ल हुम यू मेट अर्लियर, ये आपका एक तरीके से इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज है. द गर्ल हुम यू मेट अर्लियर, सिर्फ इतना ही होता तो क्या ये सही होता? यहाँ पे अधूरा लगता आपको? द गर्ल हुम यू मेट, जिससे आप, वो गर्ल जिससे आप पहले मिले हुए थे, बस यहीं पे छोड़ देंगे तो इट्स कहीं ना कहीं आपका अधूरा दिखता है. इट्स नॉट सीम्स कंप्लीटेड. सो ऐसे में द गर्ल हुम यू मेट अर्लियर इज माई कजिन, यानी ऐसी गर्ल वो मेरी कजिन है. यहाँ पे आपका जो हुम है, इट इज जो आपका ये हेल्पिंग क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज के सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है. नाउ कम टू द सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड, दैट इज व्हिच इज यूज्ड फॉर द थिंग्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स के लिए भी व्हिच यूज करते हैं, केवल सामान के लिए ही नहीं. ओके, दिस इज द गेम व्हिच आई वांटेड टू बाय फॉर द मंथ्स. This is the game which I wanted to buy for months. This is the game. आप इतना ही बोल दीजिए. This is the game which. अब इतना अगर आप करके छोड़ देंगे, this is the game. यह वही game है. इतना complete हो गया. It's a main clause. अगर आप इतना बोलें which I wanted to buy for months, जो कि मैं बहुत पहले से कई सारे महीनों से खरीदना चाहता था, तो which is telling about the game. जो गेम के बारे में कहीं ना कहीं डिटेल में बता रहा है. तो दैट मीन्स कि व्हिच इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड व्हिच आई वांटेड टू बाय फॉर द मंथ्स, इट्स ए रिलेटिव प्रोनाउन, इट्स ए रिलेटिव क्लॉज. आपको द टाइगर कब्स व्हिच वर अडॉप्टेड बाय द जू आर रियली क्यूट. व्हिच वर अडॉप्टेड बाय द जू, जिसे जू द्वारा अडॉप्ट किया गया है, सिर्फ इतना बोले तो आपका ये अधूरा है. यानी आपका हेल्पिंग क्लॉज है, आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज आपका रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहे हैं. तो दैट मीन्स कि जो आपका ये हेल्पिंग क्लॉज है, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है. और ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन से भी शुरू हो रहा है. और ये व्हिच किसको डिफाइन कर रहे हैं? ये द टाइगर कप्स, इसके सब्जेक्ट को, आपका जो मेन क्लॉज है उसके सब्जेक्ट को के बारे में बता रहे हैं. तो ये दोनों समझ में आ गया? यस सर. लास्ट वन, दैट इज यूज फॉर द पीपल एंड थिंग्स, दोनों के लिए यूज किया जाता है. फॉर द एग्जाम्पल, दिस इज द टीम, ये वही टीम है. दिस इज द टीम, यह वो टीम है दैट वन द मैच, जो कि मैच जीता था. दिस इज द टीम दैट वन द मैच यस्टरडे, जिसने कल मैच जीता था. तो दैट मीन्स की दैट हैज बीन यूज फॉर द पीपल. जो दैट है, इट हैज बीन यूज्ड फॉर द टीम, जो उस टीम के लोग हैं उनके लिए यूज किया गया. बट इन द सेकंड सेंटेंस, द कार दैट वी हैड वाज ग्रीन इन कलर. यहाँ पे जो दैट है, ये आपका थिंग्स के लिए यूज किया गया है. दैट वी हैड वाज इन ग्रीन इन कलर, अगर सिर्फ इसी को बोलेंगे तो इट्स अ इनकम्प्लीट क्लॉज. आपका एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसी को ही हम कहीं ना कहीं रिलेटिव क्लॉज भी बोल रहे हैं. तो आपको क्लॉजेस के बारे में, आई होप आप लोग को समझ में आ गए होंगे. यहाँ पे आपको एक टिप्स भी दिया गया था, वी वर सपोज टू टॉक अबाउट द फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. तो क्लॉजेस के बारे में आपको बताया, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका था, आज भी एक बार बताया गया. उसके बाद आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आपको आज रिलेटिव क्लॉज के बारे में बताया गया. ये सारी चीजें ध्यान है या भूल गए? क्या बेटा, टुडे आई हैव टॉट यू ऑल अबाउट द रिलेटिव क्लॉज, और बिफोर द रिलेटिव क्लॉज आल्सो आई टोल्ड यू ऑल अबाउट द प्रोनाउन एज वेल एज द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज.
अलॉन्ग विद द क्लॉज. सबसे पहले मैंने प्रोनाउन बताया, फिर रिलेटिव प्रोनाउन बताया, फिर क्लॉज बताया, फिर रिलेटिव और क्लॉज बताने के बाद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों के बारे में बताया था. फिर उसके बाद आपका रिलेटिव क्लॉज बताया. तो आप सभी को ध्यान है प्रोनाउन क्या है या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी क्वेरी, एनी डाउट? नो सर. नो नो सर. ओके, आफ्टर द प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन, क्लॉज क्या है इसको लेकर के किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? क्लॉज क्या होते हैं या क्लॉज और फ्रेजेस, फ्रेजेस और क्लॉज में डिफरेंस क्या है, इसको लेकर के कोई दिक्कत? क्लॉजेस है, फ्रेजेस है, दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, लेकिन क्लॉजेस में आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब होंगे बट फ्रेजेस में नहीं होंगे. ओके, क्लॉज भी आपका दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है हेल्पिंग क्लॉज. मेन क्लॉज को आप और क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. हेल्पिंग क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. तो ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन कौन से होते हैं, दोनों में डिफरेंस बस समझाया गया, पता है इसमें कोई दिक्कत? नो सर. शामिका, अनिल मौर्य, रुचि, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर. जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ वो भी प्लीज बताएं, अगर किसी को भी डाउट है. निहारिका, सावित्री, विकास, अलसबा, सौरभ, किसी को भी कोई दिक्कत हो दे कैन आस्क. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज में डिफरेंस आपको पता चल गया. अब बात आती है रिलेटिव क्लॉज. रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं ये भी बताया गया. ऐसे क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं, ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं वही आपके रिलेटिव क्लॉज कहलाते हैं. ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज जो कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं इज कॉल्ड द रिलेटिव क्लॉज. ध्यान रहेगा ना सभी को? यस सर. हाँ, आप लोग तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, माइक बंद करके. यस सर. मिल जाएगा ऊपर से. हाँ, वैसे बैठे हैं ठंडक की मारा, मुझे भी ठंड लगती है. Now come to the section, come to the exercise, move on the exercise part. You all need to identify the relative pronoun in each sentences. Identify the relative pronoun in each sentence, rewrite each sentence with the correct relative pronoun. Aapko relative pronoun ko pehli baat identify karna hai, pehchanna hai, uske baad agar galat hai then you have to rewrite. Tab us relative pronoun ka actual relative pronoun kya hoga, sahi relative pronoun aapko likhna hai aur fir रिलेटिव प्रोनाउन को सही करते हुए आपको सेंटेंस को दोबारा लिखना है, रीराइट करना है. कर ले जाएंगे इसको? क्यों? यस सर. यस, कोशिश कर. दिस इज द फ्लैट हु आई वांट टू सेल. दिस इज द फ्लैट हु आई वांट सेल. ये हु आपका सही है? नो सर, रॉन्ग. फ्लैट तो आप एक तरीके से एक चीज है. दिस इज द फ्लैट Who I want to sell? क्या ये आपका relative pronoun है? कौन सा इसमें से? बेटा अभी नहीं है, जिसको भी आता है वो बताइए. Sir, who? Who is your relative pronoun? Who आपका relative pronoun है? लेकिन वो तो people के लिए use किया जाता है ना? Yes, sir. Who and whom is used for the people, not for the things. और ये जो है flat के बारे में. This is the flat. ये यानी this किसके subject के बारे में बता रहे हैं. That means this is a wrong one. इसका क्या होना चाहिए? Who की जगह पे क्या आना चाहिए? Which. अभी यहाँ पे आप लोग कर लेंगे. कर लेंगे. चलिए. Yes sir. Next आप ही लोग को करना है. Now come to the second one. अब चलो मैं वन बाय वन पूछूंगा जिससे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं. रुचि पांडे सबसे पहले. तो उमेर वेयरिंग अ ब्लू साड़ी इज माय टीचर. रुचि पांडे सर, विच ये भी तुरंत क्या आना चाहिए? बिकॉज ऑल्सो आई एम रनिंग विद द शॉर्ट ऑफ द टाइम. मैं बहुत ज्यादा समय नहीं है, तुरंत बताइए. विच इज द रॉन्ग वन? यू शुड मतलब वी शुड राइट. It is supposed to be written like the woman who is wearing a blue saree is my teacher. That means ki which ki jagah pe who hona chahiye. That is correct. Now, Alsaba, your turn. The third line. This is the girl whom spoke to me yesterday. This is the girl whom spoke to me yesterday. Dad. Kya hona chahiye beta? Sir, who? Kiske jagah pe hona chahiye? Aapko ye bhi to batana chahiye.
Who की जगह पे that? आपको बोलना चाहिए that should be in the place of who. That should be in the place of whom. Who होता तब तो सही होता. Yes, this is the girl. No sir, sir whom correct. अच्छा बेटा एक ही skip कर गया था, इसी छूट गया था. Who और whom का use. कितने लोगों को who और whom का use पता है ये बताइए. क्या किसी को who and whom का use पता है? Yes. Is there anyone sir, who people के लिए किया जाता. हाँ बताइए अमन. सर who and whom are used for people. नहीं ये तो आप बता रहे हो who और whom तो people के लिए. I'm asking that कि what is difference between the who and whom. Who कब यूज किया जाता है और whom कब यूज किया जाता है. Both are the relative pronouns. दोनों relative pronoun है but दोनों का यूज आपका अलग अलग sentence. शानविका बेटा आपको पता है कुछ बताइए. यस शानविका tell us बेटा. शानविका tell us बेटा why you are not listening. आपको आवाज नहीं जा रही है. हैंड रेज किया है शानविका but she is not speaking I think. शानविका बताइए. होगा क्या होगा. चलिए शानविका इज नॉट ट्राइंग रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली सो जस्ट आई एम मूविंग अहेड. बेटा हु और हुम का यूज अलग अलग होता है. हु का यूज हमेशा एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड है जब आप सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो. आप देखो जो प्रोनाउन वर्ड्स है जो रिलेटिव प्रोनाउन्स है वो किसी नाउन के बारे में किसी नाउन के जगह पे तो यूज करते हैं और संबंध ही तो दिखाते हैं उसके साथ. जब सब्जेक्ट के साथ संबंध दिखा रहे हो तो आपका वो हुम यूज होगा. जब ऑब्जेक्ट के साथ संबंध दिखा रहे हो तो हुम यूज होगा. बेटा यू ऑल नीड टू वेट. एक्चुअली आई हैव टू कनेक्ट द चार्जर. सर आपकी आवाज सर कट सकते हो. आपकी आवाज कट सकते सर. वी आर टॉकिंग अबाउट द हु एंड हुम. हु ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जब हम सब्जेक्ट के बारे में अगर बताएं कि सब्जेक्ट के जो आपका मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है उसके बीच में अगर रिलेशन दिखाए देन वी हैव टू यूज हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है तो इट्स अ हुम. तो वी शुड बी यूजिंग हुम. इसके बारे में कभी और भी डिटेल में समझा दिया जाएगा. आपका रिलेटिव प्रोनाउन आपका एक बार सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हुआ जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव लॉट्स ऑफ थिंग्स उसका एक रिवीजन का सेशन चल जाएगा. तो जिनको भी थोड़ा बहुत अगर नहीं आ रहा है कहीं पे कोई स्ट्रगल कर रहा है दे ऑल्सो दे कैन हैव द सेशन फॉर दैट. तो दिस इज द गर्ल हुम. अब ये जो हुम है ये किसके बारे में यूज किया जा रहा है. ये ऑब्जेक्ट में जो दिस इज द गर्ल इस गर्ल गर्ल के बारे में बताया जा रहा है. ये गर्ल के लिए यूज किया गया है हुम. तो दैट मीन्स कि इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ये इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स कि यहाँ पे हुम यूज किया गया है. तो हुम इज द रॉन्ग वन. ये हुम आपका ऑब्जेक्ट के लिए अगर गर्ल के बारे में बताया जा रहा होता या गर्ल को डिफाइन कर रहा होता तब तो हुम सही था. बट ये दिस के लिए यूज किया जाना चाहिए. दिस इज द गर्ल. ये वो गर्ल है. अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिस है तो दिस के लिए आपको यहाँ पे हुम यूज होगा या हु. सर हु इज द करेक्ट वन. हु भी करेक्ट है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. दिस इज द गर्ल दैट स्पोक टू मी यस्टरडे. जिसने मुझसे कल बात किया था. दिस इज द गर्ल हु स्पोक टू मी यस्टरडे. बोथ आर करेक्ट. ओके Yes. Now come to the next. Here is the tree who my grandfather planted. क्या होना चाहिए. कौन बताएगा. विकास वर्मा. फोर्थ वन. Here is the tree who my grandfather planted. Sir. Here is which. अमन वर्मा. Sir that. अमन वर्मा. सर सर विच ऑन विच प्लेस. यू शुड बी टेल द कंप्लीट आंसर. आपको ये बताना है कि आइडेंटिटी रिलेटिव प्रोनाउन क्या है. दूसरा आपको बताना है कि किसके जहां इस रिलेटिव प्रोनाउन के जहां पे क्या यूज होना चाहिए. दोनों एक सिंगल आंसर में बताइए. ओनली 5 मिनट्स इज रिमेनिंग. 9:49 हो चुके हैं. इट्स 9:50. So I'm not having the time. So you need to tell lots of things. मतलब जैसे मैं नाम लो तुरंत आप आंसर बताइए. ये चार चीजें मुझे बोलना ना पड़े. जल्दी से बताइए फिर से. It's not a complete answer. What is the correct answer?
Sir, who is the by using who is the place of which? But you should have to tell that ki, that or which both are the correct word. That or which is in the place of who? Who is the relative pronoun? Who की जगह पे which या that दोनों में से कोई भी use कर सकते हैं. Here is the tree. Yes, sir. Here is the tree that my grandfather planted. Here is the tree who my grandfather planted. No, who wrong है? Here is the tree which my grandfather planted. Which भी सही है, that भी सही है. Okay? Now yes, come to the fifth yes, one. Come to the fifth one. Anupriya. Anupriya, जल्दी से बताइए fifth में. The cat who is brown in the colors in my pet. The brown is related pronoun and the cat who is which? So which is used in the place of who? फिर से बोलिए आपने क्या बोला है? So who is related pronoun and which is used in the place of who? Yes, who is the relative pronoun in this sentence? इस sentence में who आपका relative pronoun है और लेकिन who की जगह पे जैसा कि ये cat है, animals है, animals के लिए relative pronoun आपको which use किया जाना चाहिए. तो आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? The cat which is brown in color in my pet. तो who की जगह पे आप which use करेंगे, okay? Now the next one is in the supermarket. बेटा आपका जो सिक्स है सेवन्थ है उसको आप कंप्लीट करिएगा अपनी मर्जी से. सारा मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, ओके? कर ले जाएंगे या नहीं? कर लेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं बाहर कर दूंगा. निहारिका, आकांक्षा पांडे, रुचि, अनिल मौर्य, विकास वर्मा, अलसबा, अमन वर्मा, सावित्री, सुषमा, सत्य प्रकाश मौर्य, सभी लोग ध्यान से सुनिए. मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बाहर कर दूंगा आपको पढ़ाने का. नहीं, निश्चित नहीं पढ़ाऊंगा अगर नहीं आप लोगों ने किया. यहाँ पे अगर समय निकाले तो हम भेजते हैं इसको कंप्लीट करके आज ही भेज दीजिएगा शाम तक. सेकंड क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है. समझ लीजिए करना कैसे है. कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज. आपको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें को उसको आपको कंबाइन करना है रिलेटिव क्लॉज का यूज करते हैं. समीर इज एन आर्किटेक्ट. समीर इज एन आर्किटेक्ट. ही लिव्स इन हैदराबाद. आप इसको यहाँ पे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आप कंबाइन कर सकते हैं? सानिका, शानिका, अतुल, रुचि, कोई भी जिसको भी आता हो जल्दी से बताइए. बेटा मैं नाम नहीं लूंगा, जिसको भी आता है तुरंत जल्दी से बताइए. मैं तुरंत आंसर सही यस या नो बोलूंगा, ठीक है? Who lives in Hyderabad? Who is the correct answer? Now come to the second. I saw an old woman outside my house. She was limping. Relative pronoun बताइए कौन से relative clause से आप इसको add करेंगे जल्दी से. I saw old woman outside my house. I saw that of who? Sir, dead. Yes, sir. No, I saw. Dead. She was. I saw. आप इसको add करना एक sentence बनाइए तो. I saw an old woman outside my house that was limping. That आप सही मतलब ऐसे ऐसे बनाएंगे sentence आपको बनाना ना. एक ही sentence आपको बनाना. क्या होगा? Sir, who? Who was limping? No, I saw. अब who आप करेंगे जब I के लिए use करते हैं. लेकिन you are going to talk about the woman. I saw an old woman के लिए use किया जा रहा है. तो whom आपको use करना पड़ेगा. तो you should write the woman whom I saw outside my house was limping. The woman, अब इस woman के बारे के लिए आप use करेंगे ना. The woman whom I saw outside my house was limping. It is the correct one. Now come to the C. I met Shriya at the park. बेटा who और whom में थोड़ा confusion लग रहा है आप लोगों के बीच. उसको कभी मैं अलग से क्लास लेकर के समझा दूंगा. I met Shriya at the park. She invited me for her birthday party. बेटा आपको ये ध्यान देना I के लिए यूज करेंगे तो who, बट Shriya के लिए यूज करेंगे तो whom. दोनों का यूज आपको बताना है. अब इसमें तो ये तो क्लियर है कि who या whom आपको यूज करना है दोनों सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए. क्या होगा? I met Shriya at the park. She invited me for her birthday party. इन दोनों को एक कंबाइन करिए जल्दी से. कौन करेगा? अनुप्रिया.
Sir, I met Shreya at the park. Who invited me for her birthday party? I met Shreya at the park. Who invited me for the her birthday party? No, wrong. I met Shreya. ये who आपका तभी हो जाएगा जब ये जो इस क्लॉज के सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हो. मैंने ये कई बार समझाया. अभी सब लोग लिख लो who whom का अंतर आपको नहीं पता पाएगा. सुन लो, छाप लो, रट लो. बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना. अभी who whom का डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, फिर भी गलत पे गलत किए जा रहे हो, फिर भी छापने पे बिजी. छाप लो, मैं बता दे रहा हूँ इसका whom होगा. छाप लो, छापना ही है, समझना नहीं है तो बात ही अलग है. यहाँ पे who क्यों ही यूज होगा? क्या आप आई के बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट इस आई आई को रिलेट कर रहे हैं. आई के बारे में जब बात करें, आई के लिए जब यहाँ पे प्रोनाउन यूज करें, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें, तो हु होगा, क्योंकि आई आपका सब्जेक्ट है. बट आई मेट श्रेया, श्रेया आपका ऑब्जेक्ट है, और श्रेया के लिए आप यहाँ पे हु यूज कर रहे हैं. श्रेया ने इनवाइट किया था, तो दैट मीन्स कि जब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट प्लेस वाले नाउन के लिए यूज कर रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन, तो आपका यहाँ पे हुम होगा. और आप लिखेंगे श्रेया हुम आई मेट एट द पार्क. श्रेया हुम आई मेट द पार्क इनवाइट मी फॉर हर बर्थडे पार्टी. Now come to the fourth one. The students were very late for the event. The principals reprimanded them. The students were very late for the events. The principal reprimanded them. इसका मतलब क्या? इसको कैसे आप combine करेंगे? बेटा 9:56 हो चुका है. आप लोग कोशिश करिएगा इसको करने की. जो नहीं समझ में आएगा next class में मैं एक बार discuss कर लूंगा. आपको पहला दूसरा ये दोनों कंप्लीट करके भेजना है. ठीक है? यस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय. गुड बाय.